नमस्कार, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके लेकर हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते आज की सुर्खियों पर। उत्तरी खरी वन प्रभाग की उत्तरी निघासन रेंज के जंगल के सेठ ग्राम बैनिया काल में जंगली हाथियों का कहर जारी। जंगल में आए हाथियों ने किसानों की कई एकड़ गन्ने की फसल तहस नहस कर दी। बैनिया काल के दर्जनों किसानों का गन्ना पैदावार बर्बाद कर दिया। रात में ही जंगली हाथियों की जंगल वापसी के बाद ग्रामीणों ने अपनी फसल की बर्बादी को देख कर किसानों ने बंद सुभाष चंद्र को सूचना दी। लगभग 10 घंटे बीत जाने के बाद भी विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसमें किसानों में काफी रोष व्याप्त है। स्थानीय किसान अंकुर कुमार सिंह ने बताया कि हर वर्ष जंगली हाथियों के झुंड आकर फसल तहस नहस कर देते हैं। हर बार वन विभाग को सूचना दी जाती है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल जाता। किसान राम सिंह यादव ने बताया, 2 वर्ष पूर्ण लगभग 25 एकड़ गन्ने का नुकसान किया था, जिसको सभी किसानों ने मिलकर प्रार्थना पत्र दिया, जो प्रार्थना पत्र उच्च निर्देशक विभाग नेशनल पार्क चंद्र सुभाष मुआवजे का आश्वासन दिया गया था, जो कि कभी अभी तक नहीं मिला। जब वर्ष की जंगली हाथियों का कहर जारी रहेगा।